जय हिंद भाइयों, मैं आपका अपना चीनू साइदपुर एक बार फिर आपके साथ चीनू साइदपुर फिजिकल ट्रेनिंग फाउंडेशन मोदी नगर में आपका स्वागत है। दोस्तों, मिशन मुजफ्फरनगर अब की बार भर्ती पार, और आज वीडियो शुरू होने से पहले, हमारा वर्कआउट की वीडियो शुरू होने से पहले, आज जो है अब की बार भर्ती पार का नंबर पार्ट में 13 नंबर पार्ट में सबसे शुरू में हम जहाँ पर भर्ती होगी मेरठ तैयार होगी मुजफ्फरनगर जिला, उस स्टेडियम की वीडियो लाए हैं आज हम, और कुछ नया दिखाएंगे कि कहाँ से एंट्री स्टार्ट होगी और कहाँ से बैच छूटेंगे और कैसा वहाँ पे ट्रैक है, सारे ट्रैक की जानकारी आपको हम देने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो में बने रहे। जो हमारे चैनल पर नया आया है वो सब्सक्राइब कर ले भाई और लाइक करे, बेल आइकन दबाए जाएंगे। तो मुजफ्फरनगर ग्राउंड में ये गेट है, गेट से होगी एंट्री और ये गेट से अंदर ग्राउंड के बीच में आ जाएंगे हम, और वहाँ पे जहाँ पे वो बच्चे बैठे हैं वहाँ पे ग्रुप बनेंगे, बच्चों के ग्रुप बनेंगे वहाँ पे जहाँ पे बच्चे बैठे हैं। आप देख सकते हैं ये प्रैक्टिस करने वाले बच्चे हैं, और यहाँ से कर्नल की जो एंट्री होगी, कर्नल जो ग्रुप बोलेगा ग्रुप छोड़ेगा, यहाँ से छोड़ेगा, वो बोलेगा ग्रुप के लिए, वो बोलेगा यहाँ से जहाँ पे स्टेज थी। और दोस्तों, इससे आगे अब आप देख सकते हो सारा ट्रैक कैसा ट्रैक कर दिया गया है, कैसी सफाई कर दी गई है, सफाई चल रही है और सफाई ट्रैक की क्लियर हो गई है, बीच वाले ग्राउंड की सफाई थोड़ी रह रही है। वो आप देख सकते हैं कि ट्रैक कितना ही अच्छा ट्रैक है, जो आपको ग्रास का ट्रैक मिल रहा है, अधिकतर भर्तियों में ग्रास का ट्रैक नहीं मिल पाता। तो दोस्तों, ग्रास के ट्रैक का मतलब है आपको, देखो बच्चों देख सकते हो आप, ये सफाई चल रही है, वहाँ पे घास रखी है, घास की सफाई चल रही है। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि अभी बच्चे वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, खूब बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभी तक ग्राउंड जो बंद नहीं हुआ है वो सितंबर के शुरू के वीक में बंद हो जाएगा। किस लिए बंद होगा? अगर बंद हुआ तो 6 दिन पहले बंद होगा, क्योंकि ट्रैक बहुत ही अच्छा है, एकदम टॉप ट्रैक है, ऐसा ट्रैक शायद ही किसी भर्ती के लिए आज तक बना हो, क्योंकि ट्रैक पर घास बहुत है, देखिएगा, देखिए कितना अच्छा ट्रैक है, ट्रैक पे कुछ नहीं है, कोई ईंट नहीं है, कोई पत्थर नहीं है, कोई फिसलन नहीं है, और ये स्टैंडर्ड ट्रैक है। आपको मैं बता दूं, ये जानकारी आपको बिल्कुल क्लियर दे दूं, ये स्टैंडर्ड ट्रैक है। स्टैंडर्ड ट्रैक का मतलब होता है 402 मीटर का या 403 मीटर का स्टैंडर्ड ट्रैक होता है, और स्टैंडर्ड ट्रैक का मतलब है कि ये जिला में, ये जाट कॉलोनी मीनाक्षी चौक से पहले पड़ता है, जाट कॉलोनी में चौधरी चरण सिंह स्टेडियम मुजफ्फरनगर में है। और आप देख सकते हैं कितना क्लीन ट्रैक है, आपको कितने भागने में आसानी होगी। और ये जो सफ़ेद पट्टी आप देख रहे हैं, इसके अंदर की तरफ रस्सी लगाएंगे फौजी भर्ती के लिए, और रस्सी लगाने का मतलब है, देख लो आप, देख सकते हो कि 400 से ज़्यादा का ट्रैक नहीं बन पाएगा, ट्रैक जितना है उतना ही क्लियर रहेगा, 403 मीटर का ट्रैक होगा। और आपको मैं एक जानकारी दे दूं, आधा ट्रैक क्लियर हो चुका है और अभी आगे सफाई चल रही है, 100 मीटर की सफाई, क्योंकि पानी भर रहा था यहाँ पे, क्योंकि इस ट्रैक में हर हफ्ते पानी छिड़का जाता है, और इससे बेहतरीन ट्रैक पूरे ज़िले में, क्या पूरे एआरओ की भर्ती अच्छे ट्रैक से अच्छा ट्रैक नहीं है। देखो आप देख सकते हो कि आधे में थोड़ी सी वहाँ पर पानी था, वहाँ पर सफाई नहीं हो रही थी, और यहाँ पर बच्चे प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, मुजफ्फरनगर के बाहर के बच्चे आके प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत बच्चे हैं यहाँ पे। तो दोस्तों, आप मेहनत करते रहो, मेहनत का फल आपको ज़रूर मिलेगा, क्योंकि जय हिंद भाइयों, मैं आपका अपना चीनू साइदपुर एक बार फिर आपके साथ चीनू साइदपुर फिजिकल ट्रेनिंग फाउंडेशन मोदी नगर में आपका स्वागत है। दोस्तों, मिशन मुजफ्फरनगर अब की बार भर्ती पार, जो हम कल लाइव में बोल रहे थे कि आज हम वीडियो बना के भेजेंगे मुजफ्फरनगर के स्टेडियम की, कैसे एंट्री होगी, कैसे आउट होगा, और कहाँ को फौजी निकालेंगे, कहाँ ग्रुप बैठाएंगे, कहाँ से ग्रुप चालू करेंगे, तो आज हम वीडियो में सबसे पहले उसे ऐड करेंगे कि कहाँ पे ग्रुप बैठे गए, कहाँ पे ग्रुप चालू होंगे और कहाँ से एंट्री होगी। तो वीडियो को अंत तक देखें, अंत तक बने रहे, और जो हमारे चैनल पर नया आया है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाए। जय हिंद।
एक सेकंड, चलते रहो चलते रहो, चल बढ़िया बढ़िया। 30 मिनट होनी है पूरी लोग। चलते रहो चलते रहो चलते रहो। राम राम भाई, चलो चलो चलो। चल Thank you.
अरे तू खुली दुकान से मार बोल, जल्दी देखा कि आराम से काट लेंगे, दिक्कत ना आए। अरे यहाँ रे किसान, देख लेंगे वो कल। हेलो, अरे एक वीडियो बंद करके सुन, आपका जवाब है नहीं, एक ड्राम के पीछे जा। मेरा मतलब ये है कि बेसिकली साले वो होमवर्क ज्यादा दे दो तुम, ये भी करके लाना, ये भी करना, तो मैं इसी से